नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो लकी है या अनलकी है। तो आप अपने इस मोबाइल नंबर को कैसे जानेंगे कि वो आपके लिए कितना लकी है। कई बार क्या होता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम कोई काम करते हैं तो वो हमारे काम नहीं बनते, और हम सोचते हैं जैसे हमने किसी को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगता है, या कुछ ऐसी बात नहीं हो पाती है ठीक से, और हम समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये क्या पता नहीं लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बन रहे। तो क्या कभी आपने अपने मोबाइल नंबर को चेक किया कि क्या आपका मोबाइल नंबर लकी है या अनलकी है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू आज इस चीज़ को हम चेक करेंगे, आइए समझते हैं। ये मैंने एक चार्ट बना के रखा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें 1 से लेके 9 तक पहले तो नंबर्स हैं, ये देखिए, और साथ ही साथ मैंने उसमें बताया है कि कौन से गुड फ्रेंड्स के नंबर हैं, और ये है खाली फ्रेंड्स की सीरीज़, और ये है मीडियम फ्रेंड्स जो होते हैं, एक तरह से मीडियम नंबर्स कहना चाहिए, और एक ये होते हैं शत्रु नंबर्स। अगर आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम मैच करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और से मैच करने पर गुड फ्रेंड्स फ्रेंड्स और मीडियम आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बैड आ रहा है और वेरी बैड आ रहा है, देखिए बैड और वेरी बैड इस तरह से आ रहा है, तो फिर ये समझना चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी नहीं है। अब हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे, आइए जानते हैं। मैंने इधर एक एग्जांपल लिया है, सपोज़ करिए आपका जो मोबाइल नंबर है, सपोज़ करिए आपका मोबाइल नंबर है 9123456780। इस तरह से मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया है। अगर ये नंबर किसी के मोबाइल नंबर के साथ टैली करता है तो प्लीज़, मैंने तो ऐसे ही लिया है तो आई एम रियली सॉरी। और आप इस नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल लीजिए और आपस में प्लस करिए, जैसे 9+1+2+3+4 ऐसे करके पूरा, जब आप पूरे सारे नंबर्स को, सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 आया है। अब 9 आने के बाद अब हम देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। खाली डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, मंथ और ईयर नहीं लेना है। मंथ अगर आपने सिर्फ खाली जो मंथ लिया है, डेट लिया है, डेट में आज जैसे 30 सितंबर है तो मैंने 30 ले लिया है, 30+0=3। जैसे देखिए 30+0=3, तो 3 से हम मैच करेंगे 9 को। तो अब हम चलते हैं इस चार्ट की ओर। देखिए ये चार्ट में 3 आ रहा है, अगर हम इसमें 9 नंबर देखें तो 9 गुड फ्रेंड्स की श्रेणी में आता है। अगर आपका इस तरह से अगर आपका मोबाइल नंबर गुड फ्रेंड्स की श्रेणी में आता है, इसका मतलब जिस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 30 आ रहा है या 3 आ रहा है, या ऐड करने पर डेट्स अगर 3 आ रही हैं तो, और उसका ये नंबर इस तरह से 9 आता है, तो ये बहुत उसके लिए लकी है। तो आप भी इस मेथड से जान सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। सिर्फ आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है अपना और डेट ऑफ बर्थ का नंबर ऐड करना है, और इस चार्ट में देखिए मैं इस चार्ट को इस तरह से दिखा देती हूँ आपको, एक इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर, बहुत ये देखिए इस तरह से आप इस चार्ट की पिक्चर भी ले सकते हैं, और पिक्चर लेने के बाद आप टैली कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका अपना मोबाइल नंबर क्या कहता है। ये देखिए इस तरह से मैं पहले आपको 1 से 4 तक का आप देख लीजिए दिखा देती हूँ वीडियो में, फिर 5 से लेके 9 तक का मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर क्या कहता है। और जो भी आप चेक करें प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।